अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? आज की जो वीडियो है ना, MTS 2 2 का क्विज़ नंबर 1 ओपन हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जल्दी से जो है ये अपनी फ़ाइल बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों को मेरी फ़ाइल जो है बहुत पसंद आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि लाजमी जो है बना के शेयर करूँ, ठीक है? क्योंकि आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल को, लाइक भी करते हैं वीडियोज़ को, तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, ठीक है? चलिए शुरू कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 11 से लेकर 14 तक जो है ये क्विज़ नंबर 1 जो है ये ओपन हुआ है, ठीक है? तो ये आपने कल तक इसकी डेट है, तो आराम से ये फाइल करें और साथ ही आप अपना क्विज़ ओपन कर लें, क्विज़ सबमिट करें, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन ऑफ द ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन आर, हमारे पास क्या है 1 2 1 3 2 2 3 3 4 2 4 3 एंड एस क्या है 2 1 2 4 3 3 ऑन द सेट ए। ए क्या है 1 2 3 4 इज गिवन बाय 1 3 2 1 2 2 2 4 3 3 4 2 4 3। आर यूनियन एस, यानी ऊपर वाला आर है और ये नीचे वाला एस, अगर इन दोनों का यूनियन किया जाए तो कह रहे हैं क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा या ट्रांजिटिव नहीं होगा? तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। रेंज ऑफ अ रिलेशन सिंबोलिकली रिटन एज, रेंज को हम कैसे लिखते हैं, रेन आर बी इक्वल बी ए बी और आगे आर, ठीक है? इसको आपने ऐसा लिखना है। द रिलेशन आर ऑन सेट ए इज़ नॉट सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ देयर आर एलिमेंट्स ए एंड बी इन ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग करते हैं आर से बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, लेकिन बी ए जो है वो बिलोंग आर के नहीं करता, ठीक है? तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक नहीं होती चीज़। फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ आर रिलेशन आर, हमारे पास क्या है 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 इज गिवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात ट्रू है अबाउट दिस रिलेशन, सेलेक्ट करना अपने करेक्ट ऑप्शन आर ट्रांजिटिव है, आर रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। तो इसमें से कुछ भी नहीं है, ये नॉन है, ठीक है? अभी इसमें सवाल में मसला है या क्या, यानी कि नॉन है। अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है ऑप्शन तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है? कोई इसमें मसले की बात नहीं है। फाइव क्वेश्चन है लेट ए, हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और डिफाइन द रिलेशन आर ऑन ए बाई आर 1 2 2 3 3 3 3 4। तो सेलेक्ट करना है आपने करेक्ट ऑप्शन आर के नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इरिफ्लेक्सिव है, आर इरिफ्लेक्सिव है, आर जो है रिफ्लेक्सिव और इरिफ्लेक्सिव है, या आर रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे क्या है, आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि एक अपने अपने के मुताबिक इक्वल हो, जैसे कि 1 2 3 4 है तो 1 1 एक सेट बना हो, 2 2 3 3 4 4, तो यहाँ पे वो इस तरह नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इरिफ्लेक्सिव, ठीक है? तो इरिफ्लेक्सिव आपने देख लेना हैंड शॉट से वो क्या होता है, तो आपने देख के कर लेना है आर इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इरिफ्लेक्सिव होगा इसका, ठीक है? मैट्रिक्स है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इनवर्स रिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई टेकिंग द ऑफ द रिलेशनल मैट्रिक्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ट्रांसपोज इनवर्स डिटर्मिनेंट एंड जॉइंट, कि इनवर्स कैसे लेना है, इनवर्स हम कैसे लेंगे कि उनकी जो होती है कॉलम को, का जो कॉलम होता है उसका रो बना देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, यानी कि उसका ट्रांसपोज जब ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है, ठीक है? ये आपको पता ही होगा। सेवन क्वेश्चन इन द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देयर इज डैश पेयर ऑफ एरोज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट, तो कितने पेयर होते हैं, नो पेयर, कोई भी पेयर नहीं होता उसमें, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ रिलेशन, रिलेशन का कौन सा टाइप नहीं है, परम्यूटेशन। नाइन क्वेश्चन है इनवर्स रिलेशन, आपने बताना है आर, आर के जो ऊपर है स्केयर में -1 फ्राम बी टू ए इज डिफाइंड एज आर -1 इक्वल टू बी ए इक्वल टू बी के तरह से ए बी इक्वल टू आर। लेट हमने क्या कर लिया कि ए ये बी ये, तो रिलेशन हमारे पास क्या है 2 4 3 9 4 16 3 17, देन इनवर्स, इसका हम लेना है इनवर्स लेना है। इनवर्स कैसे लेंगे, 2 4 है तो उल्टा कर देंगे 4 2, 3 9 है तो क्या कर देंगे 9 3, 4 16 तो क्या कर देंगे 16 4, 3 17 तो क्या कर देंगे 17 3। तो 11 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी सेट ए द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए इज़ नाउन एज, तो ए जब मल्टीप्लाई तो होता है जब, तो क्या आंसर आता है, यूनिवर्सल रिलेशन, उसमें कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है? 12 क्वेश्चन है इफ़ ए हमारे पास क्या है 1 2 3, बी क्या है 4 5 6 और आर क्या है 1 4 2 5 3 6 3 4, द कम्प्लीमेंट्री रिलेशन इज़, कम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी डिफरेंस यानी कि माइनस आर, ठीक है? तो ये आपने देख लेना, 12 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे, इफ़ ए हमारे पास क्या है 1 2 3 इज़ अ सेट और आर क्या है 2 3 2 2 3 4 इज़ अ रिलेशन ऑन ए, देन आर इज़, आर क्या कहलाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है? उन ऑप्शन में से कुछ नहीं था। रेंज क्या होगी, रेंज यानी क्या होती है, यानी जो नेक्स्ट वर्ल्ड होता है यानी कि सेकेंड वर्ल्ड, वो होती है रेंज। अब 0 1 में सेकेंड वर्ल्ड क्या है 1, 3 22 में सेकेंड वर्ल्ड क्या है 22, 90 34 में सेकेंड वर्ल्ड क्या है 34, तो 1 22 34 इसका आंसर बन गया, ठीक है?
15 question in matrix representation of a dash relation the diagonal entries are always one. डायगनल की जो एंट्रीज होती हैं उसमें हमेशा क्या आता है वन आता है, तो वो क्या होती है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव यानी कि वन वन, ठीक है टू टू, थ्री थ्री, तो वो उस जगह वन आता है तो वो डायगनल क्या बन जाता है में हमेशा वन आता है, जो रिफ्लेक्सिव वाली होती है उसमें डायगनल में हमेशा वन आता है। लेट हम कर लेते हैं ए के वन टू थ्री, बी के जीरो वन टू, सी के ए बी, आर के वन जीरो वन टू, थ्री वन थ्री टू, एस के जीरो बी वन ए टू बी, कंपोजिट हमने बताना है आर और एस का, ठीक है ये आपने सेलेक्ट नहीं करेक्ट आपने इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है मैं ढूंढता था लेकिन मिला नहीं है मुझे। और 17 क्वेश्चन क्या है, लेट पी ए बी द पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सबसेट रिलेशन 5 फॉर ऑल एक्स वाई पी एक्स वाई ई एस वी एक्स इफ एंड ओनली इफ ई एक्स देन एक्स ई वाई, तो आपने बताना है ये पार्शल ऑर्डर रिलेशन है या नॉट पार्शल है, इसमें से आप देख लेना, ठीक है। 18 क्वेश्चन है इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन यूजिंग अ मैट्रिक्स ऑल इट्स डायगनल, अब रिफ्लेक्सिव में क्या था कि डायगनल में सारे आएंगे वन, इरिफ्लेक्सिव में क्या है डायगनल में सारे क्या आएंगे जीरो, ये आपने याद रखना है बात, ठीक है। 19 क्वेश्चन है रिलेशन ऑफ इज सेट टू बी इफ इट इज रिफ्लेक्सिव एंटीसीमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो क्या होगा जो चीज़ होती है रिफ्लेक्सिव एंटीसीमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो वो पार्शल ऑर्डर रिलेशन होती है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है लेट आर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें रेंज हमने बतानी है रेंज ऑफ द इनवर्स ऑफ द रिलेशन, यानी इस जो हमारे पास सेट है इसका लेना है पहले इनवर्स, इनवर्स यानी क्या होता है यानी सेकंड वैल्यू जो होती है वो पहले आ जाती है 2 1 हो जाएगा, फिर उसका लेनी है रेंज। अब यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, रेंज क्या होता है सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू अब क्या है हमारे पास 1 है तो पहला आ गया 1, 3 4 है इसका लेंगे इनवर्स 4 3 बन जाएगा, सेकंड वैल्यू क्या है 3 3 आ गया, 5 6 का इनवर्स लेंगे तो 6 5 हो जाएगा, तो 6 5 में सेकंड वैल्यू क्या है 5 5 आ गया, 7 8 का इनवर्स लेंगे तो 8 7 आ जाएगा, सेकंड वैल्यू क्या है 7 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो एक रिलेशन दिया हुआ है उसके हमने डोमेन बतानी है यानी कि इनवर्स की, उसके पहले लेना है इनवर्स फिर उसकी डोमेन बतानी है, ठीक है। पहले लेंगे इनवर्स यानी 1 2 है तो 2 1, तो ये डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 2 ले लिया, 3 4 का इनवर्स लेंगे तो 4 3 पहला क्या है 4, 5 6 का इनवर्स लेंगे तो 6 5 पहला क्या है 6, 7 8 का इनवर्स लेंगे तो 8 7 पहला क्या है 8, इस तरह करना है, ठीक है। 22 क्वेश्चन है अगर आर जो है ट्रांजिटिव है देन द इनवर्स रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी ट्रांजिटिव, ठीक है ये थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया, एंटी यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है एंटी। तो 22 क्वेश्चन में आपने एंटी यहाँ लिख लेना तो फिर ये क्या ट्रू है, नहीं बल्कि ठीक है इनवर्स रिलेशन विल बी, ठीक है उसका इनवर्स हो जाएगा ना तो वो ट्रू है, ठीक है ऐसे ही, ठीक है कि इफ़ आर इज ट्रांजिटिव दैन द इनवर्स रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, ये ट्रू है, ठीक है। ए क्या है 1 2 3 4, बी आर क्या है 1 3 2 4, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आर का, कॉम्प्लीमेंट लेने हमने, ठीक है यहाँ पे क्या है 1 3 2 4 दिया हुआ है तो 1 4 और 2 3 जो है वो नहीं दिया हुआ, जो नहीं दिया होगा वो आपने लिखना है, वो आपने लिखना है, ठीक है। डोमेन आपने बतानी है रिलेशन सिंबॉलिक रिटर्न एज डोम आर इक्वल टू ए इक्वल टू ए कोमा बी इक्वल टू आर, ठीक है। रेंज आपने बतानी है इसकी, रेंज ये होगी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें दी हुई है दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, बड़ा ही आसान सवाल है, पहले को आपने पहले के बराबर रखना है दूसरे को दूसरे के, 2x-3=1, 4y+2=10 वैल्यू निकलेगी। नेक्स्ट क्या है कंसीडर द रिलेशन आर क्या है, आर ये दिया हुआ है सेट का, ठीक है ए 1 2 3 4, तो आर क्या होगा ए रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ये आपने देख लेना है। लेट आर बी ए रिलेशन होना सेट ए, अगर आर सिमेट्रिक है तो कंप्लीमेंट क्या होगा उसका एंटी सिमेट्रिक होगा। ए में हमें ये कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं यानी कि 50 एलिमेंट दिए हुए हैं, बी में दिए हुए हमें 5 एलिमेंट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, पहले को मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे के साथ, यानी कि ए में कितने सेट हैं 50, बी में कितने 5, 50 5 ज़ा 250 एलिमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट्री रिलेशन सिंबॉलिकल बताना है आपने, आर इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस आर इक्वल टू ए कोमा बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए बी इज नॉट इक्वल टू आर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक डोमेन हमने बतानी है इसकी 0 1, तो क्या कहा था डोमेन क्या होती है फर्स्ट वाली, 0 1 में 0, 3 22 में 3, 90 34 में से 90, ठीक है। 25 मोड 1 मोड 3 मीन्स दैट 3 डिवाइड्स 25-1 आंसर आ जाएगा। लेट हमने कहा लिया कि एस इक्वल है आर के, डिफाइन द स्केयर रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्केयर इक्वल टू वाई स्केयर, तो स्केयर रिलेशन जो है वो क्या होती है, स्केयर रिलेशन इज एन डैश रिलेशन, इक्वलेंस रिलेशन। डिफाइन हमें कर लेगा रिलेशन क्या है 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2, तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्स कैसे होगा 1 1 है 2 2 है 3 3 है तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है।
नेक्स्ट क्या है कि लेट ए हमारे पास 0 1 2, आर क्या है 0 2 1 1 2 0 रिलेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स पेयर आर नीडेड, ज़रूरत है ट्रांजिटिव बनाने के लिए, कौन सी जो है सेट्स को ऐड करेंगे तो ट्रांजिटिव बन जाएगा 0 0 2 2। ठीक है, लेट हमने ले लिया कि आर बी आर बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट ए आर, आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी ए बी आर बी ए आर। ठीक है, लेट हमने कह लिया कि ए के 1 2 3 4 है डिफाइन, आर के 1 1 1 3 2 4 3 1 4 2 ऑन ए, देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर इज ट्रू, कौन सा ट्रू, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर जो है सिमेट्रिक नहीं है। लेट हमने कह लिया ए के 1 2 3 4 रिलेशन क्या 2 4 4 2 इज ए के सिमेट्रिक है। ठीक है, इफ आर रिलेशन आर के 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 इज गिवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिलेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये 38 क्वेश्चन थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा, अच्छी लगी हुई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।